हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रजनीश कपूरिया व्लॉग और सभी भाइयों को राम राम। तो अपने डेली व्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई। नया दिन है और नई शुरुआत है, तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप आई हुई है, बिल्कुल अच्छी है। और भाई मैं भी मस्त तरीके से नहा धो करके रेडी हूँ। और आज अब हमारी छुट्टियों का तीसरा दिन है, तो अभी हम चल रहे हैं भाई। सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया था, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी, और हम चल रहे हैं आज क्रिकेट खेलने। ग्रैंड पार्क के पास एक बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, मतलब फुटबॉल का स्टेडियम है, लेकिन हम वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। तो वहीं पे चल रहे हैं और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई। भाई लास्ट टाइम भी हम क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ पे दिल्ली के पास में एक क्रिकेट का ग्राउंड था, लेकिन वहाँ पंगा हो गया था। आपको मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग के अंदर कि कांच वाच फूट गया था, इस वजह से तो उस ग्राउंड में तो हम जा नहीं रहे। और आज जा रहे हैं सचिन भाई लोकल को हिंदी समझ में नहीं आएगी, टेंशन मत ले, सचिन से बोल रहे भाई, ये वो वाली बात मत बोले, नहीं वो वीडियो वायरल होगी तो लोकल को पता लग जाएगा भाई हम ही बंदे थे, तो वो वाली बात। इंडियन फरार हो गए थे एंड टाइम पे, तोड़ने वाला सबसे पहले था रेस में आगे, तोड़ने वाला सबसे पहले भागा था भाई दीवार कूद के। तो भाई सचिन भाई की प्लानिंग थी, सचिन ही बोल रहा सुबह चलते चलते भाई, इसको मतलब काफी अच्छा बैट्समैन है ये, मैं ऑलराउंडर हूँ और ये बैट्समैन है प्रोफेशनली, तो इसने बोला भाई चलते यार, मेरा तो मन दिया था कि भाई अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे मस्त तरीके से, लेकिन ये बोला भाई रोजाना तो ये मौसम आता नहीं है, आज धूप आई है, दो दिन से बरसात हो रही थी। तो भाई शरीर के लिए भाई खेल कूद अच्छा रहता है, मानसिक संतुलन के लिए, शरीर के लिए, तो खेल कूद करना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रुचि रखनी चाहिए। यार बस का वेट कर रहे हैं काफी देर से, एक हमारी 72 नंबर बस, तो जैसे हम बस स्टॉप पे पहुंच के निकल गई थी, अब दूसरी बस आ रही है 14 मिनट में, तो भाई वेट करना पड़ेगा 14 मिनट का यार। और 34 नंबर बस भी जा रही थी, लेकिन हमने सोचा यार वो जाएगी नहीं, बाद में देखा तो वो भी बस भी जा रही थी, फिर कोई ना 14 मिनट का वेट करते हैं भाई। जो भाई वहां पहुंच गए ना, तो मतलब कि हमें कॉल कर रहे हैं भाई कितनी देर में आओगे, तो हमने बोला भाई हमें टाइम लग जाएगा, अराउंड 1 आवर लग जाएगा, क्योंकि बस भी अभी आई नहीं है। तो हमने बोला भाई तुम अपने एक बारी तो शुरू करो, हम दूसरी बारी में आ जाएंगे। तो बार बार उनका कॉल आ रहा है, उधर से भाई मुनेश भी आ रहा है और प्रिंस भी आ रहे हैं, तो उनको भी वैसे मैंने कॉल किया है, तो वो भी निकल रहे हैं भाई। भाई ये सरियार का मेट्रो स्टेशन है, तो भाई ये है ग्राउंड, पानी भरा हुआ है यार इसमें आगे, यहाँ पे देखते हम देखिए किधर से खेलेंगे। बाकी सारे भाई पहुंच गए यार स्कूल, भाई एक स्कूल है तो आज स्कूल की छुट्टी है, स्कूल का ग्राउंड है भाई एक। भाई ग्राउंड की हालत खराब हुई पड़ी है, क्योंकि दो दिन से बरसात आ रही थी, पानी भरा हुआ है। अब देख रहे हैं किधर से क्या, कहाँ पे स्टंप्स लगाने हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और वहां पे अब सोच रहे हैं कहाँ पे स्टंपिंग लगानी है भाई, क्योंकि लेक के अंदर ये बढ़ा गया, लेकिन ऑफ के अंदर जैसे छोड़ जाएंगे पानी के अंदर जाएगी बोल सीधी। तो भाई फाइनली चेक कर लिया है भाई, यहाँ से जैसे वो सामने स्टंप्स लगा दिया है, तो तिरछा लगाया थोड़ा भाई, थोड़ी बहुत पानी में जाएगी, लेकिन थोड़ी बंप मार के बॉल आगे निकल जाएगी। तो बाकी अब खेल वेल शुरू करते हैं, टीम बढ़ते हैं भाई। शोएब अख्तर खेलते हुए, शोएब अख्तर को बॉल नहीं दिखी, ले आ तो आयुषी फ्रेंडली खेल लेगा, मैं ये देख रहा इंडी क्या हो गई, तुम क्या होगा ना, एक क्या लाइन तो भूल गो, तो भाई टीम वीम बढ़ चुकी है, खिलाड़ी बैठ चुके हैं और टॉस वॉस हो चुकी है, बस एक दो खिलाड़ी अभी आए नहीं, उनका वेट चल रहा है, बाकी बस मैच शुरू होने वाला है भाई। वाइड और गिल्ले रशिया से मंगाए गए हैं, मॉस्को से स्पेशल है ये, तो यहाँ पे इस तरह के स्टंप चलते हैं, सचिन भाई ने ऑर्डर किए थे कास्पी से तो धीरे धीरे फील्डिंग सेट हो रही है, सभी अपने अपनी जगह टिंग के इंतजार में सभी गाइस,
बैठ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पे ही उतरेंगे आयुष भाई। बाकी आयुष भाई ऑलराउंडर है, बैटिंग है फिर क्या? दोनों बॉलिंग बैटिंग। अच्छा, और आप? मैं भी बैटिंग ऑलराउंडर। अच्छा तो भाई सभी ऑलराउंडर भाई यहाँ पे। तो भाई टॉस जीती थी हमने लेकिन फील्डिंग चूज की है क्योंकि इस ग्राउंड में चेस आसानी से होता है। टॉस आ रही थी क्या? टॉस आ रही थी भाई। खैर तो सामने वो उधर दिख रहा है ना वो रोड, उसका चौका है इधर का, सामने उसका जो सामने वो रोड दिख रही है और इधर वो पोल दिख रहा है ना, उस पोल का चौका है भाई। तो खेल शुरू करते हैं भाई। तो भाई हमारी फर्स्ट बैटिंग खत्म हो गई है, 8 ओवरों में 55 रन बनाए इन्होंने। अब हम खेलेंगे, अभी जस्ट प्रिंस और कामरान भाई आए हैं हमारे। तो कामरान भाई, भाई लास्ट में 3 बॉल इनके पांती आई थी तो 3 बॉलों में 1 छक्का और 1 चौका मारा है इन्होंने। और अब प्रिंस भाई बैटिंग करेंगे, प्रिंस की अभी सेकंड नंबर पे ओपनिंग आएगी तो अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं प्रिंस भाई और देखते हैं हमारे खिलाड़ी देखे मैच को कहां तक लेके जाते हैं। देखिए 6 ओवरों के अंदर हम जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ ओपनिंग बैट्समैन ऐसे ऐसे ट्रेनिंग भी इसके साथ प्रिंस भाई भी जुड़े हुए हैं। कामरान भाई आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह अब वहाँ पे है तो आप जाके फील्डिंग करिए, आपसे यही अनुरोध है हमारा। डीप डिस्कशन चल रहा है भाई, खिलाड़ी ज्यादा हो गए अब कंफ्यूजन में है बेटा ये किसको, बॉल वाला बॉल लेके चल जाऊंगा अगर मुझे नहीं खिलाया तो। और उधर भी खिलाड़ी ज्यादा हो गए, एक का वेट है एक का बॉल है तो अब सीन ये चल रहा है करे तो क्या करे। प्रिंस तेरे को बैठा देते, बैठ जा यार मैं तो चल जाऊंगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूज रोटी तो तुम तो खाया कीपर आज वाह विजय ये 4 रन। प्रिंस आउट होते हुए पेवेलियन फदा रहे हैं, सचिन बैटिंग बजा रहे हैं फिलहाल, पैड वेड बांध रहे हैं। बस भाई ठीक है प्रिंस, वेल प्लेड। एक बॉल में एक रन चाहिए। सुपर ओवर होने वाला है, ड्रॉ हो चुका है मैच। जीत गए भाई। खुशी की लहर है चार ओर खुशी की लहर है भाई। भाई जीत गए प्रिंस, जोर चिल्ला, जीत गए। खुशी की लहर है बंदों के अंदर सब में। अरे सचिन है, अरे सचिन तेरा फोन है। मैच खत्म हो गया भाई, मैच जीत चुके हैं और फाइनली भाई अब खेल को यहाँ खत्म कर दिया, इवनिंग हो चुकी है और हम यहाँ से निकलेंगे भाई, सभी भाइयों को 10 बजानी है भाई भाई बोल के भाई। हमारे प्रिंस भाई काफी खुश हैं मैच जीतने के अवसर पे। फोन किसी पे लगा बच गया, लेकिन मेरे वाले पे लगा था भाई, बॉल की लग गई थी सीधे मोबाइल के, लेकिन बच गया, टेन पॉइंट टूटा है सिर्फ। दो के दो भाई, जीतने वाली टीम खुश है, हारने वाली टीम। हारने वाली टीम भाई कल प्रिपेयर है 11 बजे के लिए, तो कल वापस मैच है इसी ग्राउंड के अंदर, छुट्टियों का फुल मौज लिया जाएगा भाई। भाई मैच की विक्ट्री के सेलिब्रेशन पे भाई कुछ ले रहे हैं, यहाँ पीछे 24/7 है, कुछ खाने पीने का सामान कोला वगैरह, तो अभी इंजॉय करते हैं। और भाई अंदर गए हुए हैं कुछ सामान वगैरह लेने, जो भी पैसे जीते थे विक्ट्री के, और बस यहाँ कड़े हैं, फिर यहाँ से अब हम भी फिर सीधे निकलेंगे डोम। तो भाई रास्ते के अंदर ही ये बिग डोनर मिल गया, वो दूसरा वाला बाया वाला उसकी ब्रांच है, तो सोचा वैसे भी थके हुए हैं कौन खाना बनाएगा, तो भाई आज डोनर ओनर ही खा के चलते हैं, सीधे चलते हैं बिग डोनर के अंदर भाई। 3 वेजिटेरियंस के डोनर और 3 आयरन ऑर्डर किए, 20 मिनट का टाइम लगेगा आने में, तो बस अभी वेट कर रहे हैं, जैसे डोनर ओनर आता है यहाँ से खाते हैं। और भाई फिर कुछ पैसे भी निकलवाने हैं किसी भाई के लिए, जब निकलवाने हैं तो पास में मॉस्कोवा मॉल है वहाँ से पैसे निकलवाएंगे। आ चुका है वेजिटेरियंस की, सचिन भाई लेके आ चुके हैं भाई, तो प्रिंस के चेहरे पे काफी खुशी आ चुकी है भाई, डोनर का नाम सुनते ही। कजाकिस्तान का फेमस भाई फास्ट फूड है एक तरह से, तो भाई इंजॉय करते हैं खाने को भाई। ये 3 चटनी है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग इनका फ्लेवर है। तो भाई मेट्रो स्टेशन में आए हुए हैं यहाँ से, देखो भाई कितना कष्ट कर रहा है,
तो भाई अब हम यहाँ से पकड़ेंगे डोनर खा करके, सीधे हम आ गए सरियार का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे भाई, मेट्रो हमें मात्र 13 या 14 मिनट के अंदर पहुंचा देगी। अगर बस से जाते तो वही हमें टाइम लग जाता अराउंड 1 आवर, और वही मेट्रो से जाएंगे 14-15 मिनट लगेगी। तो भाई आज मेट्रो से चलते हैं भाई, और मेट्रो दिखाता हूँ मैं आज आपको कजाकिस्तान की। ये दोस्तों अंडरग्राउंड है, पूरी पूरी अंडरग्राउंड के अंदर बनी हुई है, फ्लाईओवर कुछ नहीं है। मैं आपको जादू दिखाता हूँ, आप कैसे गेट खुलेगा देखना। तो भाई ऑलरेडी हम अंडरग्राउंड आ गए थे और अंडरग्राउंड जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हो भाई कितनी ज्यादा हाइट है भाई, देख लो। मतलब कि हम देखो बाहर जा रहे, मतलब कि पहले से ऑलरेडी अंदर आ गए थे, वापस अंदर जा रहे हैं। भाई हुआ क्या, मैंने कार्ड को ना हाथ में ले रखा था, तो मैंने वहां टेप किया ना, तो मेरे को लगा मेरे सामने वाला गेट खुलेगा, लेकिन मेरे साइड वाला गेट खुल गया कार्ड से। तो फिर वो कार्ड, वो मतलब गेट रहता है मात्र 5 सेकंड के लिए ओपन रहता है, तो फिर वो वापस क्लोज हो गया। तो वो बोले कि वापस तुम्हें कार्ड में रिचार्ज करना पड़ेगा और वापस तुम्हारे टेंगे कटेंगे। तो भाई नीचे आया तो मैंने वाईफाई से करने की कोशिश की, नीचे नेट नहीं आ रहा था, तो उसने वैसे एक दूसरा साइड गेट था उसे ओपन किया, फिर एंट्री की भाई। तो खैर अच्छी थी वो भाई, वो लेडीज हेल्प की काफी। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई अंदर। तो भाई ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड, और मेट्रो आ चुकी है भाई। ये रूट दे रखा है भाई मेट्रो का। भाई अब 11 मिनट बाद आएगी भाई, ये वाली तो छूट गई, अब दूसरी आ रही है 11:30 के अंदर आ रही है, तो हमें पहुंचा देगी मात्र मान लो 12-13 मिनट के अंदर। ये सीधे रैंप एक बेहतर मोटर स्टेशन को थाटती है। कुछ ना बोल लो भाई, बोल लो, थक पड़ी गया, थक गया भाई सचिन, थक गया हमारे से बोल रहे यार। भाई सचिन तभी तेरे को मेट्रो से लेके जा रहे हैं, बस से लेके चलते हैं। सचिन भाई की भाई 50 बंदे चुक गए यार, 15 रन से सिर्फ। बाकी भाई कल आएंगे अगर हो सकेगा तो, कल देखेंगे अगर कल का प्लान बनता है तो कल वापस आएंगे खेलने। और थोड़ा मन काफी तीन पारियां हो गई, जिसमें 2 पारी तो हमने जीती थी, 1 पारी और अपोजिट वाले भाई मतलब दूसरी टीम ने जीती थी 1 पारी। मतलब जो जिनमें कुछ प्राइज रखी गई थी ना, वो तो दो हमने जीती है, और एक जो फ्रेंडली मैच था ना वो तो दूसरी अपोजिट टीम जीत गई थी भाई। वही रैम बैग बेहतरा मेट्रो स्टेशन पे आ गए, और अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे भाई डोम की ओर। भाई बाहर निकलते सर्दी लगने लग गई यार, सर्दी बढ़ गई है। हम सुबह आए थे ना मॉर्निंग में, तब तो क्या हल्का जैकेट था ये, तो उस टाइम पे सर्दी थी नहीं ऐसे सोच के आए थे, लेकिन भाई अब सर्दी बढ़ गई है यार। भाई अब देख रहे हैं आप बस पकड़ेंगे, यहाँ से 2 स्टॉप दूर है 73 नंबर बस जाएगी, यहाँ पास में से एक बस स्टॉप है वहां से जाएगी, तो 73 बस पकड़ते हैं। और भाई अपना आज का जो व्लॉग है ना, इसको भाई यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नए दिन में, और एक और नई शुरुआत करेंगे नए व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई।